हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल बजरंग एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हर रोज पाएं शिक्षा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारियां। दोस्तों, रीट लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खास खबर है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और जानें किस प्रकार आप रीट लेवल फर्स्ट का फॉर्म अप्लाई करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इस पीडीएफ के अंदर बीकानेर निदेशालय ने सब कुछ बताया है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 लेवल प्रथम के संबंध में दूरभाष पर प्राप्त विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के प्रति उत्तर निराकरण के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर निदेशालय में बहुत से स्टूडेंटों ने फोन किया, इसके बाद दोस्तों उन्होंने उसके निराकरण के प्रति उत्तर में यह पीडीएफ डाली है, आइए देखते हैं। अध्यापक लेवल प्रथम की भर्ती हेतु आवेदन कैसे किया जाएगा? अभ्यर्थी को www.sso.rajasthan.gov.in पर अपना पंजीयन करना होगा। वह यूजर आईडी व पासवर्ड से उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, अन्य किसी भी वेबसाइट से आवेदन नहीं किया जा सकता है। यह बात तो दोस्तों आपको ई मित्र वाला खुद भी बता देगा। अध्यापक लेवल प्रथम की भर्ती हेतु कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है? उत्तर, ऐसे अभ्यर्थी जो विस्तृत विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 9 के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक समकक्ष तथा द्वितीय BSTC परीक्षा समकक्ष उत्तीर्ण है, वह RTET 2011, RTET 2012, RIT 2015 व RIT 2017, इन चारों में से किसी भी परीक्षा में कम से कम 60% अंकों सहित लेवल प्रथम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सीनियर सेकेंडरी के न्यूनतम प्राप्त अंकों के संबंध में विस्तृत विवरण विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 9.5 का अवलोकन करें। क्या महिला सामान्य विधवा प्रत्येकता विशेष योग्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल प्रथम में कम से कम 60% अंकों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है अथवा अंकों में छूट है? नहीं, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल प्रथम में कम से कम 60% अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, किसी को भी छूट नहीं है। क्या अध्यापक भर्ती 2018 के लेवल प्रथम में राज्य के बाहरी निवासी आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ, राजस्थान राज्य से विभिन्न अन्य राज्यों के निवासी अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के रूप में आवेदन कर सकते हैं, इनको राजस्थान राज्य में दे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं प्राप्त होगा। क्या BSTC द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु पात्र हैं? नहीं, शिक्षक भर्ती 2018 हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति 12/4/2018 के बिंदु संख्या 9.9 के अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक अभ्यर्थी के पास सभी न्यूनतम शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में निर्धारित मानदंड अनुसार न्यूनतम प्राप्तों को सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। क्या अभ्यर्थी को सभी जिलों की प्राथमिकताएं भरनी जरूरी है, चाहे उस जिले में पद विज्ञापित नहीं है? हाँ, अभ्यर्थी को सभी जिलों की प्राथमिकताएं भरनी अनिवार्य है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 के सामने कौन कौन से अंक भरने हैं? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 का संशोधित परिणाम दिनांक 1/8/2013 जारी किया गया था, अतः संशोधित परिणाम दिनांक 1/8/2013 के अनुसार ही अंक भरने अनिवार्य हैं। यदि अभ्यर्थी RTET 2011 के प्राप्त अंक भर रहा है तो RTET 2011 की संशोधित अंक तालिका ही अपलोड करनी अनिवार्य है। अध्यापक लेवल प्रथम के मेरिट का मुख्य आधार क्या है? अध्यापक लेवल प्रथम के पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास विज्ञप्ति के अनुसार संख्या 9 के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं RIT RTET न्यूनतम निर्धारित अंकों सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है। राज्य स्तरीय मेरिट का निर्धारण RIT RTET लेवल प्रथम के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। अध्यापक लेवल प्रथम के ऑनलाइन आवेदन में कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं? ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करते समय जो दस्तावेज अपलोड किए जाने वांछित वे समस्त दस्तावेज अपलोड करने आवश्यक हैं। क्या ऑफलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता है? नहीं, आवेदन पत्र में कोई गलती रह जाए तो क्या एडिट की सुविधा है अथवा नहीं? जी नहीं, इसके लिए अभ्यर्थी को नवीन SSO ID से नया आवेदन भरना होगा। क्या एक से अधिक आवेदन किया जा सकता है? हाँ, आवेदन पत्र भरने हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक तक एक से अधिक आवेदन किया जा सकता है। प्रत्येक आवेदन हेतु नवीन SSO ID का प्रयोग भरा जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम भरा गया आवेदन पत्र मान्य होगा, किसी भी आवेदक का आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्त देख सकते हैं इसके अंदर सभी चीजें वो दी हुई है। यदि दोस्तों आपको यह PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9782287119 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं तुरंत आपको इसकी PDF उपलब्ध करा दूंगा। नंबर एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, 9782287119। धन्यवाद दोस्तों।